त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय चुनाव समाप्त हो चुके हैं। जनप्रतिनिधियों का चुनाव भी हो चुका है, जिसके बाद अब हारे हुए कैंडिडेट अपनी हार का बदला लेने के लिए पुलिस प्रशासन का उपयोग करते हुए ऐसे घृणित हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है कि जो पूरी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। विगत एक सप्ताह में रीवा जिले में 3 ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो यह बताती हैं कि सत्ता सुख पाने के लिए नेता कितने गिर सकते हैं। हाल ही में पहला मामला जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत सामने आया था, जहां सरपंच और उसके भाई के ऊपर उत्तर प्रदेश निवासी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जबकि जिस समय की घटना यह बताई जा रही है उस समय सरपंच और उसका भाई त्योंथर जनपद में मौजूद था। इतना ही नहीं, पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंग रेप का मामला भी दर्ज कर लिया। घटना की जानकारी के बाद पीड़ित वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि तब तक उसकी इतनी बदनामी हुई कि आज वह किसी से सिर उठाकर बात नहीं कर पा रहा है। सर, जो हमारे पिताजी हैं और चाचा जी हैं, दोनों सगे भाई हैं, 14 तारीख को गुड़िया नाम की एक लेडीज है, वे बलात्कार का आरोप लगा रही है एसटीएससी। जिस दिन 8:30 बजे की घटना बता रही है, 9 बजे तक हम लोग खंड मुख्यालय त्योंथर में उपस्थित थे, जो कि प्रमाण पत्र ले रहे थे। पापा सरपंची का प्रमाण पत्र ले चुके थे 8 बजे ही, और उसके बाद BDC पापा के द्वारा ही जिताया गया था, वो आदिवासी सीट थी। तो पापा BDC के प्रमाण पत्र लेने के लिए रुके हुए थे, जो कि 9 बजे तो वे प्रमाण पत्र लेके अंदर से निकले, जो कि TT पे हुए फुटेज में भी दर्ज होगा, निकाला जाएगा तो सत्यता सामने आ जाएगी, और हम लोगों को लोकेशन भी पता किया जा सकता है, जो कि त्योंथर में था उस दिन। श्री राघवेंद्र सिंह जो सरपंच हैं, वर्तमान में भी हैं, पहले भी मम्मी सरपंच हमारी रह चुके हैं 7 वर्ष। ये महिला जो आरोप लगा रही है, क्यों लगा रही है? ये आरोप लगा रही हैं राजनीति द्वेषा के कारण, जो हमारे गाँव में हमारे प्रतिद्वंदी थे सत्य प्रकाश सिंह, उनके भाई जय प्रकाश सिंह के ऊपर गाड़ी गलौज करते हैं, तो उनके द्वारा हमारे द्वारा आवेदन दिलवाया गया था। हमारे गरीब वर्ग के जो लोग हैं हमारे साथ हैं STSC को, उनको रोज आए दिन दारू पी के गाली देता है, जो कि आवेदन दिया गया था, तो आवेदन हम लोगों को कार्रवाई नहीं होती है, तो इसलिए हम लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करा रहा है, झूठा 376 का आरोप लगवाया जा रहा है। अभी पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं? पिताजी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आवेदन कल 2 बजे रात तो हुए, FIR दर्ज हो रही, जो कि पहले इसकी जांच राहुल सोनकर चौकी प्रभारी कर रहे थे, लेकिन राहुल सोनकर प्रभारी सर जांच कर रहे थे, जो कि पूरा रिकॉर्ड निकलवाए, सब कुछ निकलवाए, लेकिन व्यथा साबित हुआ, लेकिन हमारे थाना प्रभारी अनुराग अवस्थी सर जानबूझ के हुए भी उस दिन मौजूद थे, हम लोगों को 10 बजे तक घर छोड़ने आए थे, जो कि हम लोगों को उनके समक्ष 9:30 बजे तक थे। फिर हमारे SI सर प्रमोद पांडे, SI सर कल्याण चंद पांडे मुंशी, जो कि हम लोगों के घर 10 बजे हम लोगों को रात हमारे घर तक छोड़ने आए, उनका लोकेशन भी ट्रैप किया जाए तो हमारे लोकेशन से हमारे घर का लोकेशन ट्रैप होगा, और हमारे पापा चाचा सगे और 50 लोग हम लोग 6 गाड़ी से गए थे जुलूस निकालते हुए प्रमाण पत्र लेने। उस दिन सरपंची का और BDC का प्रमाण पत्र था, 2 लोग थे जो कि गाड़ी UP 70 CR 28 बोलेरो है, वे हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर से परमिट भी लिए थे, जिसका ड्राइवर चाचा स्वयं हैं। ये जो आरोप लगा रही महिला, वहाँ पुलिस ने ये जांच भी की होगी कि टावर लोकेशन आपके पिता का कहाँ था, क्या ये जांच सब हो गई? सर, ये जांच हुई थी, हमको पता चला है सूत्रों से कि मतलब कि ये जांच का पता चला है, तो हमारा लोकेशन टावर लोकेशन त्योंथर में, चाचा का पापा का लोकेशन त्योंथर में बता रहा है, लेडीज का टावर लोकेशन सूती जो घटना बता रही, घटना पर ना होके चौखड़ा में बता रहा है, लेकिन अनुराग अवस्थी सर थाना प्रभारी अब किसके कहने पर दबाव बस जबरदस्ती झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं। हम न्याय चाहते हैं सर, हमारा उच्च स्तरीय जाँच हो, जो कि त्योंथर ब्लॉक को ना दे के दूसरे विभाग को दे, अनुभाग को दे दिया जाए, या तो रीवा को छोड़ के दूसरे जिला के वरिष्ठ अधिकारियों से करा लिया जाए, सच्चता सामने आ जाएगी। सर, क्या नाम आपका? प्रसन्न सिंह है, हम सरपंच साहब के राघवेंद्र सिंह के पुत्र हैं छोटे। दूसरी घटना भी जनेह थाना क्षेत्र में हुई, जहां सरपंच पति की हत्या कर दी गई। दरअसल जनेह थाना क्षेत्र के पनासी पंचायत के सरपंच पति जितेंद्र सिंह की चुनावी रंजिश के चलते जिंदा जला दिया गया। उक्त मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। तीसरा मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सथनी ग्राम पंचायत में सामने आया है, जहां लगातार भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले सनी समदरिया के सरपंच बनते ही विरोधियों ने साजिश रचनी शुरू कर दी और एक गुमशुदा के मामले में किशोरी से बयान दिलवा दिया कि उक्त किशोरी के अपहरण में विजयी प्रत्याशी सनी समदरिया का हाथ था, जिसकी अब पुलिस जाँच कर रही है। नव निर्वाचित सरपंच
सरपंच ने बताया कि उसके द्वारा तत्कालीन सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, सहायक यंत्री के खिलाफ शिकायत की, जिनके खिलाफ वसूली का आदेश हुआ है। भ्रष्टाचारियों से तंग ग्रामीण जनता ने उन्हें विजयी बनाया, जिससे बौखलाए अब भ्रष्टाचारी उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। शिकायतकर्ता तत्कालीन भ्रष्टाचारी सरपंच की रिश्तेदार बताई जा रही है। आपको बता दें कि उक्त तीनों मामले में चुनावी रंजिश सामने आई है। चुनावी रंजिश होने की जानकारी के बाद भी पुलिस ने जहां दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया, वहीं एक सरपंच पति की जान चली गई, जिसके आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। तो अब तीसरी घटना में चार युवकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही करें, जिससे आम जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे। आपको सुनाते हैं पूरी साजिश के संबंध में सथनी ग्राम पंचायत से भारी मतों से जीते सनी समदरिया को, जिनके द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए सच्चाई बयां की गई है। आइए पहले सुनते हैं पीड़िता को, जिसे किस तरह से सिखा सिखा कर विजयी सरपंच के खिलाफ बुलवाया जा रहा है, फिर इसके बाद सुनाएंगे सरपंच सनी समदरिया को। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। वहीं पर बगैचा पीछे पड़ता है तो नीलेश और विकास तिवारे भी मोदी जगह चक्की बाइक में बैठा कर कट्टा चाकू दिखा रहे थे, बोल रहे थे हल्ला करोगे तो मारेंगे। फिर बैठा कर दिल्ली से ले गए। वहाँ पर चार लोग और अखिलेश्वर और वो मोनू और सनी समदरिया का भी नया सरपंच बना। तो हमें चार पाँच लोग बैठा कर गाड़ी में ही बलोरो से ही ले गए थे वहाँ नवामी बस स्टैंड। वहाँ से मुझे सूरत वाली बस पर बैठा कर फिर मुझे सूरत ले गए। वहाँ पर मुझे 5 दिन बंद करके रखा गया वो किराए के घर लेकर। और वहाँ 21 तारीख को सुबह 10 बजे वो मुकेश तिवारी और अखिलेश्वर तिवारी और वो दीपेन तिवारी और दीपेन तिवारी के मामा मुझे लेने गए थे वहाँ पर बलोरो लेकर। फिर वहाँ से मैंने अपनी मर्जी से आई, फिर वहाँ से दोनों साथ में आए। फिर उन्होंने आकर वो बोले कि पीछे पुलिस लगी है तो नीचे मोड़ कर लो। फिर मुझे जबरदस्ती मुँह दबा कर मुझे नीचे मोड़ कर भी दिया गया। फिर वहाँ विकास तिवारी को उतार दिए और उसके मामा लेकर वहाँ से भाग गए। फिर मुझे सुबह 4 बजे 24 तारीख को ही चौरी स्कूल के पास छोड़ दिए गए। कोई नहीं किया विकास तिवारी के खिलाफ, विकास तिवारी जिसके साथ सूरत गई थी वो लेकर गई थी। रिपोर्ट लिखाया गया था वही जी हम लोग तो 24 तारीख को बैठक कर गए थे। आपके खिलाफ एक युवती और उसके परिजन आकर पुलिस अधीक्षक के यहाँ शिकायत किए थे कि उसका अपहरण हुआ था, उसमें आपका कुछ योगदान था, रोल था, पूरा मामला क्या है और किस तरह से आप लोग लगाए जा रहे हैं? देखिए क्या है कि मैं सबसे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने जनता जनार्दन के खातिर दिन रात एक कर दिया। मैं विगत 4 वर्षों से जनता जनार्दन की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था। आज से करीब 1.5 साल पहले ग्राम पंचायत सथनी की जांच हुई थी। जांच में 5 लोगों को दोषी पाया गया था, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और उपयंत्री सहायक यंत्री। इसमें जो सरपंच थी जिनके 5,87,800 रुपये की वसूली बनी, वो केस कली कोल जी थी। चुनाव जीतने के बाद चूँकि कई सारे लोग हैं कि उनको डर सताया है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उसी में जिनकी वसूली बनी थी केस कली कोल जी का, उन्हीं का वो रिलेटिव है। जो लड़की का ये वारदात चल रहा है उन्हीं का ये रिलेटिव है। तो ये सारी साजिश करके षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये इनका षड्यंत्र चलेगा नहीं। जनता जनार्दन हमारे साथ है, 872 जनता हमारे साथ है और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे साथ में जनता खड़ी है। आरोप लगवाने के पीछे किसका रोल हो सकता है? भ्रष्टाचार के मामले को दबाना चाहते हैं कि जिससे आप पर मामला दर्ज हो जाए, बदनाम हो। देखिए हो सकता है कि पुराने भी लोग हों, क्योंकि हमारे यही सरपंच कुछ नेताओं का संरक्षण लेके हमारे ऊपर पिछले भी 3 मामला फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया है जिसकी निष्पक्ष नहीं हुई। मैंने कई बार आवेदन दिया हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। मुझे पिछली बार भी फर्जी तरीके से मामले में फंसाया गया था कुछ क्षेत्रीय नेताओं द्वारा, लेकिन अभी इस बार तो मैं नहीं कह सकता हूं कि किसका नेता का हाथ है। इस बार मुझे संदेह यह है कि कुछ फर्जी तरीके से पत्रकारिता करते हुए चुनाव हार चुके हैं, उन्हीं के सह से ये पूरा
बन रहा लोगों के ऊपर ये दबाव बन रहा कि सनी संदरिया को किस तरह से बदनाम किया जाए, क्योंकि ये हमारे साथ चुनाव लड़े थे सम्माननीय संदीप सिंह जी, जिनका पूरा परिवार ये मनरेगा की मजदूरी ले रहा है, वो एक पत्रकार हैं और इस तरह से ये मनरेगा की मजदूरी ले रहे हैं। निश्चित तौर पे लोकतंत्र की उनके द्वारा हत्या की गई है। जो एक गरीब जनता जनार्दन का हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, शासन प्रशासन का लाभ मिलना चाहिए, वो एक अपने आप को पत्रकार बताकर जनता जनार्दन का साथ इस तरह अन्याय किए हैं। अब गरीब तो अब नहीं कह सकते हैं, घर बना है, उनके पिताजी कैलरी में थे और करीब 20 से 25 एकड़ के वो काश्तकार है, फिर भी मनरेगा की श्रेणी में आते हैं और उनका पूरा परिवार मनरेगा की श्रेणी में आता है। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे हमारे गांव में कई सारे व्यक्ति आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये अमरनाथ पाठक जी हैं जो करीब लाखों रुपए मनरेगा की मजदूरी लिए हैं। एक आश्चर्य की बात तो ये है कि ये सुखचंद पाठक जी हैं, ये सुखचंद पाठक जी हैं जो इनकम टैक्स ये पंचायत की सप्लाई भी करते हैं, इनका अति गरीबी का राशन कार्ड भी बना है और मनरेगा की मजदूरी भी ले रहे हैं। जांच भी हो चुकी है, जांच में प्रमाणित हो चुका है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जो शासन प्रशासन की राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 24-24 लाख की इन लोगों के ऊपर वसूली बनी है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। कारण यही है कि अपने आप को बचाने के लिए आपके साथ हमारे अपने आप को बचाने के लिए, चूंकि ये स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पहले से ही, किसी के ऊपर 8 लाख की वसूली बनी है, कोई मनरेगा का 8,74,000 लिया है, केस कली जो पूर्व की सरपंच थी उनके ऊपर 5,87,800 रुपए की वसूली बनी है, तो इनको ये डर है कि इस बार जनता ने अपना सरपंच चुना है, योग्य सरपंच चुना है ये जनता ने, तो इनके डर है ये जितने भ्रष्टाचारी हैं तो इन भ्रष्टाचारियों का बोरा अब इस तरह बधने वाला है। इस डर के कारण हमको षड्यंत्र करके फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उठाते रहे हैं, जिसमें आपके स्थानीय जो विधायक है वो भी नाराज थे, रोजगार सहायक नाराज थे, सिक्योरिटी नाराज थे, तो क्या लगता है कि ये सब मिलाकर एक साथ मिलकर साजिश रच के रोजगार सहायक वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी जांच हो चुकी है, उनको तो टर्मिनेट होना चाहिए, लेकिन कुछ राजनेताओं के कारण वो बच रहे हैं। अभी भी लगता है अभी राजनेताओं का संरक्षण है उनके ऊपर। किसी शिकायत आपने पुलिस अधीक्षक से नहीं की कि उसके खिलाफ झूठी जो साजिश रच रहा है, बदनाम कर रहा है या बदनाम करवाने की? नहीं, कार्यवाही हो, जांच हो, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी हमारे संगठन के और हमारी काल पूरी तरह से ग्रामीण जनता जनार्दन आवेदन देगी और इसकी निष्पक्ष जाँच होगी। और SP महोदय जी से मैं चाहूँगा कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो इस तरह की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल प्रशासन को कार्यवाही करना चाहिए। और ऐसे जो भ्रष्ट जो पत्रकारिता के नाम से जनता को लूट रहे हैं, भय दे रहे हैं, जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो एक पत्रकार ले रहे हैं, तो इस तरह के फर्जी पत्रकारों के ऊपर तत्काल कार्यवाही SP महोदय जी को करना चाहिए।